आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। भगवानटा के चौराहे पर महिला की मयूरी का पहिया पंचर करने पर हुए बवाल के बाद भी एमजी रोड पर ऑटो मयूरी और टैक्सी धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। एआरएम जनरम का कहना है कि प्रतिबंधित वाहन बसों के आगे खड़े रहते हैं, जिससे हादसे का अंदेशा बना रहता है। भगवान टॉकिस चौराहे पर एमजी रोड पर शनिवार को मयूरी चलाने वाली महिला के हंगामे के बाद भी प्रतिबंधित वाहन धड़ल्ले से महात्मा गांधी मार्ग पर दौड़ रहे हैं। एआरएम जेनर राशिद अली खान का कहना है कि पुलिस के लाख कोशिश के बावजूद भी ऑटो मयूरी और टैक्सी एमजी रोड पर दौड़ रहे हैं। प्रतिबंधित वाहनों पर नियंत्रण जो है पुलिस प्रशासन का बिल्कुल नहीं है, और यहाँ बराबर जो है ऑटो और वो एक आउटी टैक्सी है वो, और आपके जो है आउट क्या नाम है इलेक्ट्रिक रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ये सभी जो है खुले दौड़ रहे हैं। इन पर किसी भी तरीके का पुलिस प्रशासन द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। हाँ उसमें हाँ बिल्कुल सही बात यही है कि ये जो है एक कट पहले जो है अपना जो है वाहन को काट लेते हैं और ये जो है रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, क्योंकि जो है भगवान टाकी चौराहे पर जो है पुलिस काफ़ी रहती है तो वो वहाँ रोक देगी, इसलिए जो है ये थोड़े रॉन्ग साइड भी जो है पिछले कट से जो है काट के और रॉन्ग साइड आते हैं और इसमें जो है दुर्घटना होने के चांस जो है ज़्यादा रहते हैं। एआरएम राशिद अली खान का कहना है कि पुलिस चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित वाहन धड़ल्ले से दौड़ते रहते हैं, इसके साथ ही पुलिस से बचने के लिए रॉन्ग साइड से भी ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी आते हैं। प्रतिबंधित वाहन सिटी बसों के आगे सवारियों के इंतजार में खड़े रहते हैं, जिससे हर समय हादसे का अंदेशा बना रहता है। दो दिन पहले यहाँ किसी एक होमगार्ड ने जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा को भगाया था पीछे से, तो वो आगे आकर जो है गाड़ियों के खड़े हो गया था, उसमें उन्होंने जो है उसको अगले टायर को पंचर कर दिया था, उस पर ही जो है वो जो चालक महिला थी उन्होंने काफ़ी उस होमगार्ड के साथ बवाल भी किया था। उसके बाद संभवतः बताया गया था कि उसका पति भी यहाँ ऑटो रिक्शा चलाता है, वो भी आ गया था, काफ़ी गाली गलौज जो है होमगार्ड से की गई। उसके बाद सुना हाँ जाम लगाने की भी कोशिश की गई, फिर समझ में सुनने में ये आया कि सीओ साहब और एएसपी साहब जो है थाना न्यू आगरा में पहुंच गए थे और पुलिस द्वारा जो है उन दोनों को ही जो है थाने बुला लिया गया था, वहीं पर कोई उनका जो है फैसला कराया गया। पिछले दिनों भगवान टॉकीज चौराहा एमजी रोड पर ई रिक्शा को होमगार्ड ने पंचर कर दिया था। विरोध करने पर होमगार्ड ने महिला और उसकी 10 साल की बच्ची के साथ मारपीट भी कर दी थी। इसके बाद ई रिक्शा चालक महिला ने जमकर हंगामा किया था। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने एमजी रोड पर जाम लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंचे एएसपी सौरभ दीक्षित ने समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कर दिया। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।